विधायक बालमुकुंद आचार्य ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बोर्ड लैंड जिहाद में संलिप्त है और कीमती जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड का मूल उद्देश्य खत्म हो गया है, ऐसे में इसमें संशोधन होना जरूरी है। वक्फ एक्ट 1995 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड पर बालमुकुंदाचार्य का निशाना। वक्फ बोर्ड में लैंड जिहाद चल रहा है, बेस कीमती जमीनों पर बोझ कर रहा है कब्जा। कांग्रेस ने वक्फ कानून में कई कमी छोड़ी, इसमें संशोधन की सख्त जरूरत। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिस पर विपक्ष के हंगामे के बाद वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी गठित कर दी गई है। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने वक्फ बोर्ड पर जम करके निशाना साधा है। जो पुराने कानून में कुछ विसंगतियाँ रही है, कुछ कमियाँ रही है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। ये लैंड जिहाद चल रहा है, जमीनों पर कब्जा करने का काम चल रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में जहां देखे वहां हरे रंग का एक बोर्ड लगा होता, लिखा होता है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड को इतनी क्या भूमि अतिक्रमण की आवश्यकता पड़ रही है कि चारों ओर ये वक्फ बोर्ड अपनी भूमियों का अतिक्रमण करता है। फिर एक देश एक कानून की हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहां पर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि इनका कोर्ट अलग होगा, नियम कायदे अलग होंगे और वहां का फैसला मान्य होगा? और ऐसा क्या कानून बना दिया कांग्रेस ने कि किसी की भी जमीन हो उसको नोटिस नहीं दिया जाता और वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा के कब्जा कर लेता है? तो इसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। समय अनुरूप परिवर्तन परंपरा है, तो अगर कुछ कमियां कांग्रेस की तरफ से रही है तो उसे परिवर्तन होना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुद उनकी विधानसभा में बहुत से मुस्लिम परिवारों को इस बोर्ड ने बेघर कर दिया। कांग्रेस ने यह बोर्ड बना करके बहुत बड़ी गलती की है, जबकि भारत में हिंदुओं को अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। संविधान में एक देश एक नियम बने ताकि सभी लोग समानता से रह सके, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है। हम सबको पता है कि देश का बंटवारा किस विषय पर हुआ था, जिसको जो जिधर जाना था उसने तय कर लिया था। फिर उसके बाद भी कांग्रेस ने लेकिन ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि आज देश में सनातनी हिंदू अपने आराध्य अपने देवी देवताओं के मंदिर के लिए भी उसे कोर्ट जाना पड़ता है, और इसी देश में वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों का गोरख धंधा चल रहा है। मेरी स्वयं की विधानसभा हवा महल में मैंने अनगिनत मामले निकाले हैं। कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड और मदरसों के नाम पर जमीनें कब्जा ली गई है, और उन जमीनों में जो पुराने समय से रहते आ रहे थे लोग, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों की ही शिकायत जो मैंने लाइव दिखाई है, 100-200 परिवार मुस्लिम समाज के ही इन भूमियों पर रहते थे, उनको भी निकाल दिया। और भूमि लेने के पश्चात क्या किया, भूमि लेने के बाद उन भूमि को स्कूल को किराए पे दे दी, बाजार बना के उसका किराया ले लिया, पट्टे काट दिए या वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बनकर आपस में पट्टे बांट लिए। ये गोरख धंधा चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर। तो इस पर अगर संशोधन होता है तो बहुत अच्छी बात है, एक देश एक कानून की हम बात करते हैं। वही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल निश्चित रूप से गरीब मुसलमान के हित में उठाया गया एक कदम है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उस पर इंक्रोचमेंट की शिकायतें आ रही थी, उनका रेगुलेशन को लेकर के शिकायतें आ रही, किराया कौन दे रहा है कौन ले रहा है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी, उसको लेकर के अल्पसंख्यक मंत्रालय में मुस्लिम समाज द्वारा ही शिकायतें आ रही थी। तो उसको लेकर लंबे समय से अध्ययन चल रहा था और बहुत सी बैठकें हुई, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, उसके बाद ये जो वक्फ बोर्ड को परिवर्तित करने का, अमेंड करने का जो एक बिल हमने तैयार किया, उसको हमने लोकसभा में इंट्रोडक्शन के लिए हम लेकर के आए। और जब इंट्रोडक्शन को लेकर के हम आए तो विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। बालमुकुंदाचार्य ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही वक्फ बोर्ड कानून पास होगा और इस तरह के लैंड जिहाद पर लगाम लगेगी। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।